ये डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड है, तेरा देख लेना भाई, ध्यान देता रहे दोबारा बताने में, अभी देख लेना जरा। हाँ ये फार्मूला जरा से ये पहले लिख देना, शॉर्टकट टू फाइंड डिटरमिनेंट, ये देख लेना जरा भाई, इफ पहला फार्मूला है कि इफ m इक्वल टू ए बी सी डी, m इक्वल टू ए बी सी डी इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स, इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स, इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी इफ सी डी बराबर डी सी, तभी होगा ये। यानी अभी फाइव कहाँ पर काम आता है, ये बड़ी बड़ी डिटरमिनेंट निकालने का काम आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया है एम इक्वल टू दिया है ये 3, 4, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 1। अभी 4x4 डिटरमिनेंट निकालो तो बहुत टाइम लगेगा भाई, तो इसलिए एक काम कर लेना, इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में बदल लो, इस डिटरमिनेंट को, सॉरी इस पूरी मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में मान लो, या इसे डिवाइड कर दो इस तरह से, ये हो गई ए 3, 0, 4, 1, और ये हो गई बी 1, 1, 2, 0, और ये वाली सी 2, 0, 0, 2, और ये वाली डी 1, 2, 2, 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चीज है, अब देखना जरा सा, आप पहले ये देख लो सी डी बराबर डी सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ एम ये छोटा सा फार्मूला खत्म काम हो जाएगा। तो देखो यार सी डी बराबर सी डी कितना आएगा देखना जरा सा, ये सी डी लिखा हुआ है आपका, ये सी डी इसका इसमें करोगे जी दो, ये जीरो दो रहेगा, दो दुनी चार हो जाएगा, ये जीरो ये दो दुनी चार हो जाएगा, ये जीरो और ये दो कन्नम दो हो जाएगा, ये सी डी हो गया, ठीक है, ये सी डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डी सी निकालना जरा, आवाज सही है, ब्लूटूथ के बाहर से आ रही आवाज, तो ये आपका हो गया, एम तो लिखे हैं बता दे रहे हैं माइनस बीसी तो निकाल लो जरा सब, एडी कितना आ जाएगा, ये एडी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हम इतना लिख रहे हैं, एडी डायरेक्ट लिख दे तो डायरेक्ट लिख दो, तो जाएगा एडी माइनस बीसी, पहले एडी कितना आएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करो इसका इसमें करा कितना आ जाएगा 3, 4, 2, 8, 3, 11, और ये आ जाएगा 3, 2, 6, 4, 6, 4, 10, 0, और ये 2 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, और ये BC कितना आ जाएगा बोलो जरा सा,
सी हो जाएगा आपका कितना, इसका इसमें करोगे आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका इसमें करोगे 4 हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे ये 2 हो जाएगा, और इसका इसमें इसका इसमें 0 इसका इसमें 0 हो जाएगा। AD माइनस BC कितना आएगा भाई, ये AD माइनस BC आ जाएगा आपका 11 में 2 गए 9, 10 में 4 गए 6, 2 में 2 गए 0, 1 में 2 0 हो गए, जो कि AD माइनस BC। तो AD माइनस BC की डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी, AD माइनस BC की डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी, AD माइनस BC की डिटरमिनेंट आ जाएगी आपकी 9 माइनस 0 यानी 9। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ M कितना आ जाएगा, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ AD माइनस BC यानी 9। खत्म आ रहा भाई 9, ठीक है आ रहा। तो ये चीज है भाई, ये और मेथड भी है, मैं अगर लगाएंगे नहीं आप लोग तो मैं रियल रोकनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लगाएगी नहीं पॉसिबल ही नहीं रियल को पढ़ाना। अलजेब्रा की कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लगाने काम लगभग ना के बराबर मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत मिलेगा आपको रियल में लगाने काम, लगाएंगे नहीं तो रियल में रोकनी पड़ेगा, जब लगा लो तब फिर बताओ उस दिन पढ़ा देंगे। पहले ही कहा हुआ इतनी टाइम बहुत जरूरी काम हो तो करो, बाकी सिर्फ पढ़ाई करना पूरा दिन, अच्छे से 6-7 घंटा सो लेना, सोने में ये तो सबसे बड़ा वाला मेथड हो गया था। अब एक और शॉर्टकट है लेकिन वो सब में नहीं लगेगा, ये लगेगा सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स में। अगला नोट लिख लेना, M इक्वल टू ए बी जीरो सी, क्या है ये, ए लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। देखो भाई लोअर ट्रायंगुलर तो है, प्रिंसिपल डायगोनल ऊपर सब जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर होता है ना, लोअर ट्रायंगुलर अगर ब्लॉक मैट्रिक्स तरह क्या है तब से बहुत आसान होता है, तभी बहुत आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ एम कितनी हो जाती है, ए और सी की डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, बस खत्म, ये तो बहुत आसान हो जाता है, दोनों डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट कर दीजिए। चलो चलो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, हमने कह दिया एम बराबर लिखा है आपके पास, मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 1 0 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 2 0 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
छह बाई छह दिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एम। देखना एक काम करना, इसको इसको ब्लॉक मैट्रिक्स बना ले। देखो ये ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं बन गई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये जीरो है। तो क्या है, ये ए हो गया, ए बराबर ये 101। एग्जाम में थोड़ी टाइम लगेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो, ये तो हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये बी हो गई 100211302 और ये सी हो गई, सी हो गई आपकी 000010001। ठीक है, तो एम कितना हो गया, एम हो जाएगा ए बी सी और ये पूरा जीरो। तो लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स हो गई। तो बस आपको ए और सी की डिटरमिनेंट निकालना है सीधा आंसर। तो ए की डिटरमिनेंट कितनी आ रही है, डायरेक्ट निकाल दे। इसके लिए होना नहीं, इसके लिए होना नहीं, सिर्फ इसके लिए करना। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया जीरो और ये माइनस माइनस वन आ रही है। सी की डिटरमिनेंट बोल दो जरा, सी की डिटरमिनेंट तो जीरो ही आ रही है। तो ऐसा डिटरमिनेंट जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास एम की डिटरमिनेंट कितनी होती है, ए की डिटरमिनेंट इंटू सी की डिटरमिनेंट। तो माइनस वन
और इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा तो ये वाला था। एक अपर ट्रायंगुलर वाला देख लेना, हालांकि सेम है कि जरा सेम एकदम है। तो बड़ी बड़ी मैट्रिक्स की, बड़ी मैट्रिक्स की आसानी से निकल गई। सेम ऐसे आएगा, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होगी तो भी देख लेना। क्या कर लेना, ए बी जीरो सी, ये क्या है आपकी, ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। तो ये सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसके एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लेना एक और। एग्जाम्पल के लिए दे दिया है, m इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 3 4 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 ये दिया, ठीक है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ m, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इसको इस पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो ब्लॉक बना करके बड़ा आसान, ब्लॉक्स बना करके इस तरह बड़ा आसान हो जाता है। तो ये आपका एम, ये ए कौन हो गया, ये आपका ए हो गया 1 2 3 4, और ये आपका बी हो गया 3 2 4 1, और ये आपका सी हो गया 2 1 1, ठीक है। एम क्या है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या हो जाएगा, ए की डिटरमिनेंट और सी की डिटरमिनेंट। ए की डिटरमिनेंट आई 4 - 6, और इनटू सी की डिटरमिनेंट आ जाएगी 2 - 1, तो कितना आ गया माइनस का 2, बस खत्म। ये हो गया, ठीक है। तो दिक्कत को बताना है, सबसे इजी एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा आती है, जिसमें शॉर्टकट याद हो तो आराम से 8-10 क्वेश्चन तो आराम से लीनियर अलजेब्रा के हो जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। अच्छा यार, जब ब्लॉक की बात बताइए तो एक चीज नोट कर लेना, बताई नहीं है पीछे, तो ब्लॉक की बात थोड़ा सी बात बताते ब्लॉक के बारे में। हम रियल नहीं पढ़ा रहे भाई, लगा रहे नहीं, जब लगा लेना तो परसों क्लास लगाएंगे, कल तो वैसे भी नहीं होंगे खेल की। हाँ जरा से ये एक चीज जरा सा नोट कर लेना भाई, जरा क्या है नोट कर लेना। लेट एम बराबर ए बी जीरो बी, क्या है बी आप ब्लॉक मैट्रिक्स, या फिर कोई ब्लॉक मैट्रिक्स है भाई, ब्लॉक मैट्रिक्स है फिलहाल तो अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर लिख
तुम्हें याद रखना भाई, रैंक ऑफ एम जो होता है, इसकी रैंक अगर निकालनी किसी ब्लॉक मैट्रिक्स की, तो ये आपकी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, सेम ऐसे आपका लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स में हो जाता है। अगर एम बराबर ये दिया है आपको, एम अगर आपको ये दिया है ए सी जीरो डी, ये क्या है भी लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स आपको दिया लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, तो देन सेम सेम रिजल्ट है, सेम है। रैंक ऑफ एम ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, क्या ध्यान रखना तो ये बात याद। जैसे ब्लॉक के लिए ट्रू है, बाकी का जो सॉरी अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के लिए ट्रू है, अगर नॉर्मल अपर ट्रायंगल मान लो ऐसे दिया हो, अगर इस तरह से ब्लॉक मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, यानी बी और सी में से एक कोई एक जीरो नहीं है, नहीं अपर ट्रायंगल ना लोअर ट्रायंगल है, तब उस केस में ये और ये तो उस केस में ये नहीं लगेगा, अच्छा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है याद रखना भाई, उस केस में फॉलो नहीं करेगा। देखिए इस तरह से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं भाई, एग्जांपल के तौर पे आप कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल गया, मान लो सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, एम बराबर मान लिया एग्जांपल के तौर पे एन इक्वल टू ये दे दिया गया 1 2 3 4 6 1 2 3 5 6 0 0 और कह दिया गया फाइंड रैंक ऑफ एम, रैंक का सिंबल कर दो, रैंक ऑफ एम निकालना है। अरे थोड़ा सा और यहाँ पर 0 0 1 7 ये लिख, ठीक है। अब रैंक ऑफ एम अगर मैथड ना मालूम हो ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर देखो क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं निकलती, अच्छा इसमें ग्रेटर या लेस नहीं करके आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, ये आपकी कौन हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो रैंक ऑफ एम क्या आ जाएगी, पहले एक ए की रैंक निकाल लो, डी की रैंक निकाल लो, ए की रैंक निकाल लो, डी की रैंक निकाल लो, ए क्या है आपका, ए है आपका 1 2 3 4 और ए की रैंक कितनी आएगी भाई, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रही ना, 4 माइनस डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए की रैंक जो आएगी वो 2 आएगी। अच्छा डी की रैंक बोल दो, डी कौन है आपका, डी है 1 5 7 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी कितना आ जाएगा 6 और माइनस का 6, डिटरमिनेंट ऑफ डी आ जाएगा आपका ये 6 माइनस 7 = 35, 0 नहीं आएगा ये भी, तो रैंक ऑफ डी भी आपकी हो जाएगी 2। तो रैंक ऑफ एम क्या होती है, ये होती है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी, यानी कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ एम हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 2, मतलब एम की रैंक जो होगी वो 4 या 4 से ज्यादा होगी, ये तो एग्जैक्ट निकल जाएगी भाई, क्योंकि रैंक अगर 4 by 4 की है मैट्रिक्स तो रैंक 4 से ज्यादा तो होती नहीं है, तो यहाँ तो एग्जैक्ट निकल आ रही है, देखो इसलिए रैंक 4 होगी, बट इन 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक रैंक कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4, ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगी, फिर रैंक सिर्फ 4 होगी, जो एग्जैक्ट आ गई, हर बार इसे जरूरी नहीं भैया इसमें तो एग्जैक्ट आ गई है। संजीत उसमें किसमें क्वेश्चन पूछना था, एक दिन कह रहे थे लीनियर अलजेब्रा पूछना था,
हाँ अगर हम इसमें ये कर देते हैं भाई, अगर हम इसमें यहाँ पर ये कर देते हैं, इसमें ये यहाँ पर कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं हम टू, और यहाँ पर कर देते थ्री, यहाँ पर कर देते सिक्स, और यहाँ वन। अब अलग हो जाता, अब डी हो जाता आपका थ्री सिक्स वन टू, ये हो जाता आपका, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अब इसमें ए आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए तो वही रहेगी, ये कितनी हो जाती, तीन दूनी छः, ये जीरो हो जाता, सॉरी रैंक आपकी ये जीरो आ जाती भाई, डिटरमिनेंट तो रैंक आपकी वन हो जाती। तो इस केस में अब ये कितना आता, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी से ग्रेटर, ए की रैंक है दो, डी की रैंक है वन, तो यानी तीन या तीन से ज़्यादा। तो अब ये तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तो इस केस में जो है हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ क्या हो सकती है, रैंक जो होगी वो तीन होगी या चार होगी, क्या होगी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे भाई इसमें, आप इसमें एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, ठीक है। तीन होगी या चार होगी, तीन से ज़्यादा मतलब चार से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ऑर्डर से ज़्यादा रैंक कभी होती नहीं है। तो इससे बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को आप ब्लॉक में, कभी एग्जाम में कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको ब्लॉक में बदल कर कन्वर्ट करके आप उसकी रैंक निकाल लेना, ठीक है। ब्लॉक बना लेना, ब्लॉक्स बना करके रैंक निकाल लेना, बड़ी मैट्रिक्स में सोचना कि बहुत ना बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत टाइम लेकर नहीं करेंगे, ब्लॉक बना के आप निकाल लेना, आराम से आ जाएगा रैंक निकालना है, डिटरमिनेंट निकालने की बाद जरूरत पड़ जाती है एग्जाम में। भाई पहले ही बता दे रहे भाई, अगर चाहते हो क्वालिफाई करना चाहते हो तो हम पहले ही बार बार ये रिपीट कर रहे बात कि पूरा दिन पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो भाई, यही सबसे कह रहे हैं कि पूरा दिन पढ़ो, सिर्फ खाली बस अपने ज़रूरी काम है बहुत ज़रूरी यार उनको छोड़ करके बस खाली पूरा दिन पढ़ो, अगर चाह रहे हो कि फर्स्ट अटैम्प में क्वालिफाई करना चाह रहे हो पूरा दिन पढ़ो, सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं जो आप करोगे, इसीलिए हम आराम आराम ही पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं पढ़ा रहे। ये तो शायद आपको मालूम होगा, एक बात और है ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक मैट्रिक्स बारे में थोड़ा थोड़ी मैं और चीज़ बता दे रहे हैं। मान लो हम बराबर ये है कि ब्लॉक की बात करें तो थोड़ा ब्लॉक के बारे में बता दे रहे थोड़े से मैट्रिक्स में, और मान लो हम बराबर ये लिखा है आपका ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस ऑफ एम बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ डी, ए का ट्रेस प्लस डी का ट्रेस, ये होता है आपका ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ डी। तो ये बात अच्छे से याद रखना भाई, तो बहुत आसान है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कह दो बड़ा आसान क्वेश्चन, मान लो सपोज आपको बड़ी सी मैट्रिक्स आ जाए वन टू थ्री फोर सिक्स वन टू थ्री, और ये लिखा है आपका वन टू फोर सिक्स वन वन सेवन नाइन, ये लिखा आपका, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, कह रहा फाइंड ट्रेस ऑफ एम, हालांकि इसको तो और भी तरह से निकाल सकते हैं, आप चाहो डायरेक्ट ये जोड़ दो, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर दिए तो कोई कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए का ट्रेस और डी का ट्रेस का सम कर दो, बात वही है भाई, ये ए है ये डी है, वो तो आपको जैसे भी चाहो वैसे निकाल लो, मिल गया हमको, तुमने बता दिया वन वन टू नाइन, अरे कुछ भी लिख दो भाई। तो ए ट्रेस ऑफ एम, ये ए है और ये डी है, तो ट्रेस ऑफ एम क्या हो जाएगा, अरे वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है, परेशान ना होना। ट्रेस ऑफ एम ट्रेस ऑफ डी, ये हो जाएगा वन प्लस वन ए का ट्रेस और डी का ट्रेस, मतलब वन प्लस नाइन डायगनल का सम होता है, वन प्लस नाइन ये टेन और ये टू ट्वेल्व हो जाएगा, ख़त्म। वैसे भी आप निकाल सकते हो, इन सबको जोड़ दो डायरेक्ट आ जाएगा भाई, ठीक है, वो लिख दिया हमने कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं।